उमा जी गरीब भाई यहाँ पे लेफ्ट में बोतल में लेफ्ट साइड ये सब लोग इधर आ जाओ यार उमा जी उमा जी डब्बा वाले बट अभी हमारी पिक्चर आई है Z5 पे तल्ला दलाल जी के ऊपर। तल्ला दलाल जी इंडिया की पहले घर पे खाना बनाते थे और बहुत फेमस हो गए और वो मुंबई से थे और वो मूवी देखना आप लोग जाके आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे सिंपल हाउसवाइफ और शादी के बाद ये हस्बैंड प्ले कर रहे हैं शारिम, तो शादी के बाद 3 बच्चों के बाद उन्हें खाना बनाते गए और कैसे एकदम दुनिया भर में फेमस हो गए आप लोग की तरह। हाँ तो प्लीज देखिएगा। एक और फिल्म के लिए आए मिला था इनसे शिव शास्त्री वाल बोल तो आप लोग को तो आदत है प्रमोशन करने की। हाँ खा सकते हैं हम लोग। क्या है हेलो बस अभी डाल रहा हूं। हां क्या है खोलो उसको। टाइम लगेगा मैं भी कर रहा हूं एक सेकंड में कर रहा हूं। ओए होए ये बनाया हम लोग नहीं है खाना पड़ेगा फोटो ले रहे हो। ओहो मैं जब से ग्रिल पोस्ट कर ओ हो ढोकला अच्छा मम्मी बनाया ढोकला। अच्छा आप लोग का फेवरेट आपको क्या खाने में पसंद है। वही बोला कि आप लोग तो मेन सेलिब्रिटी हो मोर देन 100 इयर्स एंड लाइफलाइन ऑफ बॉम्बे लाइफलाइन। जय आप लोगों को खाना है क्या। बहुत भूख लग गई वैसे एक्चुअली सिर्फ तारीफों से पेट नहीं भरता। खाओ इसे बोलते हैं खाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह से सिर्फ तारीफों से पेट भर रहा था असली भूख। बस हो गया। खानवी ढोकला पात्रा और ये क्या बोलते इसको घुघरा वेरी गुड इन्हें नहीं बनाया। उमा जी के साथ में मतलब अभी जितना खाने में स्वाद आ रहा है ना मजा उतना ही मज़ा इनके साथ काम करके आया है। बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। पहली बार इनसे मेरी मुलाकात ही इस फिल्म के ज़रिए हुई तो इतना
और जब अब जब रिव्यूज में हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने बोला हमारी केमिस्ट्री की बात हो रही है, क्रैकलिंग केमिस्ट्री, मतलब आई एम सो हैप्पी, क्योंकि हमने हम जब पहली बार मुलाकात हुई थी उसी दिन एक वो केमिस्ट्री, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ था जो फिल्म में नजर आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी. कल तो आप थे वहाँ पे रात को, देखा आपने. मतलब मैं बोलना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, आई थिंक नीतीश सर, अश्विनी मैम, रॉनी सर, जी, आई थिंक उन्होंने एक छोटी सी फिल्म को, एक बहुत प्यारी सी फिल्म को, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म को एक जो स्टैंडिंग दी, एक जो शोकेसिंग दी है, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ऐसी कहानियाँ हैं हिंदुस्तान की हमारी जिनको बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोग यू नो इंडिया में रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, होम ग्रोन वॉइसेस, जिन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ तो सुधारी ही है बट कितना बड़ा काम किया है फॉर टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. सो आई थिंक फुल क्रेडिट गोज़ टू द एंटायर टीम. शारिब ऑफ कोर्स इज बीन अमेजिंग टू वर्क विद. बहुत मज़ा आया शारिब के साथ काम करके. एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो है, हम तो रात से ही जो रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है, मैं सुबह उठी तो मैंने देखा ऐसे 25 मैसेज है, मैंने कहा अरे बाप रे इसको रिप्लाई करना है. और इतने सारे रिव्यूज़ भी, सारे रिव्यूज़ आई थिंक हम दोनों के काम की तारीफ कर रहे हैं. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू पीयूष. उन्होंने बहुत प्यारी स्क्रिप्ट लिखी, उनका कन्विक्शन था, सिंगुलरली उनका कन्विक्शन था, और उनका कन्विक्शन था तो हम सब उनके साथ, उनके ड्रीम के साथ जुड़ गए. मैं तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वाकई पिछले 100-150 सालों से करेक्ट ये मुंबई की लाइफ लाइन रहे हैं. ये ना हो तो लोग भूखे रहे. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी फिल्म के साथ ही जुड़े भी हुए हैं इन अ सेंस, क्योंकि तल्ला जी भी यही करती थी, खाने के थ्रू लोगों की लाइफ बदलती थी. वैसे ये लोग जितने लाइफ बदलते हैं, जितने डब्बे ये घर घर पहुँचाया करते थे, उन डब्बों में हो सकता है मतलब तल्ला जी की रेसिपीज बंद होंगी काफी. तो मतलब चोली दामन का साथ है बिल्कुल एकदम. वेजिटेरियन स्नैक्स की बात करें तो ढोकला और दिस पात्रा इज वन ऑफ माय फेवरेट. मेरा भी पात्रा बचपन से मेरा ये फेवरेट. आई लव दिस, आई लव. उस दिन मैंने बनाया भी, पता है मेरा खाली हो गया. ये ले. हाँ, आपको क्या क्या पसंद आ रहा है इसमें बताइए, आपका फेवरेट क्या है? Yeah. अरे वाह. आपके घर पे क्या बनता है ज्यादा? यही बनता है. आप बनाते हो? हाँ. अरे वाह. तो अगले प्रमोशन में आप बना के लेके आना ना. हाँ मराठी मध्ये पण बोला, बिंदास बोला, मजा आ रही है. खूप मजा आहे. तुझे पिक्चर देखी ना? अच्छा देख ना, मैं ही बना रही हूँ गोल रोटी. मगर रोटी गोल क्यों होती है? ये तो देखना, yes. देखना पड़ेगा कि रोटी गोल क्यों होती है. नाम सुना हुआ है, जैसे मैडम ने भी अभी जानकारी दी, वो भी पहले खाना बनाते थे. और हम लोग जो अभी मुंबई में 133 साल से जो डिलीवरी देते आए लोगों का घर का खाना उनके ऑफिस में दे रहे. और यहाँ पे अभी कैमरे के सामने बैठ के हम लोग जो मैडम का जो पिक्चर आ रहा है और खाना खा रहे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. और उनका भी सिनेमा बहुत लोग देखे और मतलब स्टूडियो में जाके सब लोग उन्हें देखने चाहिए. यही गुजारिश हम लोगों को आपके माध्यम से करें. ऐसा है कि हम लोग डब्बा वाला जो 133 साल से आज तक काम करते आ रहे हैं, उनके घर का खाना उनके ऑफिस में देते हैं. तो जैसे कि मैडम के घर का घर पे जो खाना आप जो बोल रहे हैं देने का, तो वही वो जो खाना देंगे वही हम लोग उनके घर तक पहुँचेंगे. मैं बताती हूँ ना,
अगर आपके घर का खाना भेजना है तो क्या क्या भेजेंगे? चटनी जो हमारा खाना है वही भेजेंगे आप। क्या है बताइए, आपका फेवरेट क्या है? क्या खिलाएंगे उमा जी को अपने हाथों? आप चटनी, जो चटनी भाकर है वही देंगे। चटनी भाकर पिटेगा तू एक दिन मुझसे, पिटेगा तू एक दिन मुझसे पक्का। पम मोबाइल नीचे, नाइस।